अमेठी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी के प्रधानाचार्य ने लॉकडाउन के दौरान जनता को जागरूक करते हुए अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। फूलकली गुप्ता पूनम, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी, जिला गाइड कमिश्नर अमेठी, कवित्री ओम शायरा, सम्मानित अभिभावकों एवं मेरी प्यारी छात्राओं, आप सबसे विनम्र अपील है कि आप सब कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाइए, कमर कस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कीजिए, मास्क लगाकर रखिए, यदि थोड़ा सा भी कहीं अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना पड़े तो आप मास्क अवश्य लगाइए, अत्यावश्यक कोई जरूरी आवश्यकता हो तभी बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर में रहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो लॉकडाउन की अपील की है, जो लॉकडाउन लागू किया है, उसका 100% अनुपालन कीजिए। समस्त कक्षाओं में इस समय ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था हमने कर दिया है, हमारी सारी शिक्षिकाएं ऑनलाइन व्यवस्था के तहत व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सबको शिक्षा दे रही हैं, इसलिए आप सब अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाइए, हमारे अध्यापन कार्य से लाभान्वित होइए, आपको गृह कार्य भी दिया जा रहा है और अपने घर में गृह कार्य को कीजिए और दूसरों को प्रेरित कीजिए, अपने घर में भी प्रेरित कीजिए, अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करता है, अनावश्यक बाहर घूमने की कोशिश करता है, बाहर अत्यावश्यक कार्य से जाता है, मास्क अथवा गमछा नहीं बांधता है, तो उसके लिए भी प्रेरित करिए, 20-20 मिनट पर हाथ साबुन से धुलने के लिए प्रेरित करिए। अगर ये पता चल जाए कि कोई इस बीमारी की गिरफ्त में आ गया है तो तत्काल आप सूचित करिए, सूचित करने के बाद ताकि वो क्वारंटाइन कर सके, और अगर उसको वो बीमारी है तो आइसोलेट की व्यवस्था हमारी सरकार कर सके, इसलिए आप सभी इस मुहिम में लग जाइए, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए हमको ये सोच के रखना है कि हमारी छात्राएं और हमारे अभिभावक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और आप अपीलें कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप को आप लोड कीजिए, और आप अपने भी माध्यम से अपील करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि बचाव ही इलाज है। पूरा देश इस समय त्रस्त हो गया है, विश्व की महाशक्तियां सारी परेशान हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, वहां बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, परंतु हमारे देश की सरकार ने तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ अभी बचा रखा है, उस बचाने को ही हमारी जान बहुत कीमती है, जान है तो जहान है, आप सब भी अपनी जान की कीमत समझिए, और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी अगर वो लॉकडाउन तोड़ते हैं, इस तरह का कोई कृत्य करते हैं, तो उन्हें समझाइए, और आप सबसे यही अपील है, विनम्र अपील है, बार बार अपील है कि घर के सारे काम को करिए, अगर आपके मन में कोई शौक है जो अतृप्त रहा, जो पूरा नहीं हो सका है, तो ये अवसर है, आप अपने शौक को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।